थोड़ा सा थक्कड़ भी रहना चाहिए अपन को, थोड़ा मस्ती में रहना चाहिए। ये मस्ती पता नहीं आजकल लोगों में दिखती नहीं, इसलिए हस्ती मिटती जा रही है, हस्ती मिटती जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा ऐसी मस्ती होना चाहिए। एक व्यक्ति आया एक संत के पास और दौड़ा दौड़ा आकर के कहने लगा, बाबा जी गुरु जी। बोले हाँ आग लग गई। तो गुरु जी बोले तुम लोग क्या आग लग गई लग जाने तो मुझे क्या। बोले नहीं बाबा जी तुम्हारी कुटिया में आग लग गई। तो बाबा जी बोले तो तुझे क्या। बोले वेद भगवान तो तुझे क्या लगे लग आग लगे। मस्ती रहो मस्त रहो मस्त। ये जिंदगी होना चाहिए। एक बार एक भाई साहब थोड़ी देर के लिए बुरा मत मानना अपना क्या शुभ नाम है आपका। मेरे आपका नाम जैसे और आप भी दोनों लोग बता दीजिए आपका नाम क्या है। आपका आप खड़े हो रहे थे आपका आप ही बता रहे हैं। नहीं आप ही से मुझे व्हाइट सर विनोद एक छोटा सा विनोद करूंगा आपके साथ बुरा मत मानना ठीक है नकली चलिए। आपका शुभ नाम क्या है। कैमरा लेकर के आप बैठे हैं पत्रकार लोग कुशलम एक ही बात है। तो कुशलम जी और विनोद जी मैं थोड़ा सा विनोद करूंगा बुरा मत मानना आप लोग भगवान करे आपका कभी मकान ऐसा ऐसा ना हो। कुशलम जी का एक मकान था विनोद जी और कुशलम जी का वो मकान लगभग 20 लाख में भाई इन्होंने बनवाया बड़ा सुंदर मकान था। अब ये कहते हैं मेरा मकान जरा देखो कितना सुंदर है सब लोग खरीदने को आते हैं। पता नहीं क्या हुआ कि भाई अचानक से आग लग गई। लगी नहीं है आप थोड़ी देर के लिए वैसे है ना फॉर एग्जाम्पल कुछ लगे घर में आग लग गई और मकान धो धो करके जलने लगा राख हो गया। अच्छा सब बताओ कुशलम जी का क्या हाल होगा। रोएंगे कि नहीं और पता है क्या कहेंगे रोएंगे हाय मैं लुट गया मैं बर्बाद हो गया मेरा मकान जल गया मेरा मकान जल गया। कल्पना करो कल्पना करो आज ही इन्होंने वो मकान विनोद जी को 20 लाख में बेच दिया। कितने में बेचा 20 लाख 20 लाख का मकान था 20 लाख में बेच दिया। रजिस्ट्री हो गई। अब इन्होंने पैसा लिया और विनोद जी से कहा विनोद जी आज भर के लिए मकान में रह जाता हूँ कल खाली कर दूंगा। तो विनोद जी बोली कोई बात नहीं रह लीजिए क्या दिक्कत है ठीक है ना। अब कुछ लोग उस मकान में आज रह रहे हैं अपना सामान पैक कर रहे हैं सामान को बाहर निकाला है गाड़ी आ गई है उसमें रख रहे हैं मकान खाली हो गया अचानक उसमें आग लग गई और हम मकान धूधू करके चल रहा है। सच बताओ अब रोएगा कौन। विनोद जी बताइए कौन रोएगा। अब कुछ लोग जी तो हंसेंगे और रोएगा विनोद। तो सच बताओ रुला कौन रहा है। मकान रुला रहे क्या। मकान नहीं रुला रहे विनोद जी मेरा रुला रहे। और कुशलम जी तुम जो हंस रहे हो तो कौन हंसा रहा है तेरा हंसा रहा है। ये मकान जब तक कुशलम जी का था तो मेरा रुलाया और जब विनोद जी को बेच दिया तो तेरा जला तो तेरा हंसाया। इसलिए भगवान कहते हैं कि तेरा में जियो पर लोग मन के स्तर पर जीने वाले तो मेरा में जीते हैं। ये मेरे लिए ये मेरा है। हम लोग ऐसा नहीं करते। पहली रोटी गाय को कौवा को चिड़िया को चींटी को निकाल करके देते हैं। वो लोग देते हैं कि नहीं देना चाहिए कि नहीं क्योंकि हमारी ये संस्कृति है। ये केवल हमारी नहीं सबकी संस्कृति होनी चाहिए। ईसाई मुसलमान से हमारा कोई संबंध लेना देना नहीं क्योंकि ये सब मत मजहब है और इनमें रहने वाले हैं तो मनुष्य ही तो हमारे भाई हो और हम तो अक्सर एक बात कहा करते हैं हिंदू हो मुसलमान हो सिख या ईसाई हो वो काम करे जिसमें सभी की भलाई हो मिलकर रहे सब ऐसे की जो देखे सो कहे लगता है ऐसा जैसे ये सब भाई हो सब भाई। तो हम प्रेम से रहना तुम प्यार से देखो तुम्हें सब खत्म लगेंगे सब भाग नाचे पौधे पर खत्म लगेंगे तुम प्यार प्यार प्यार, 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 प्यार
करते हुए जपो तो दोस्त क्या उस मन भी नाम जपने लगे नाम जप बोलो वेद भगवान की। तो मन के स्तर पर जीने वाला व्यक्ति पाप का और इसीलिए वो दुखी रहता है, जब कभी सुखी नहीं हो सकता। लेकिन इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं और बुद्धि के स्तर पर जीते हैं वो लोग अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचते, जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है, और अपनी रोटी में से दूसरे को खिलाने की भी इच्छा रखते हैं। ऐसे लोग बुद्धि के स्तर पर जीते ये लोग अच्छे होते हैं। लेकिन जो आत्मा के स्तर पर जीने वाले होते हैं ना, वो राजा रंग की देव की तरह होते हैं, वो दयानंद की तरह होते हैं, वो श्री राम की तरह होते हैं। अपने लिए नहीं जीते, वो तो केवल और केवल औरों के लिए जीते, औरों के लिए जीते। वो वृक्ष की तरह हो जाते, नदियों की तरह हो जाते, औरों के लिए बहते हैं, औरों के लिए फलते हैं। और कोई गाली नहीं दे तो बदले में गाली वाली नहीं दे, कोई बुरा भी बोले तो बदले में बुरा नहीं बोले, क्योंकि उनके पास बोलने को बुरा होता ही, देने को गाली होती है। उनके पास तो देने के लिए केवल फूल होते हैं और कुछ नहीं होता। मैं निवेदन करने लगा हूं कि मन का स्तर बड़ा खराब, बुद्धि का स्तर अच्छा, लेकिन आत्मा का स्तर जिस दिन आपको प्राप्त हो जाता है, समझ लो तो आप मोक्ष अधिकारी बनने के लिए